हम इस वक्त एक नाव पर मौजूद हैं और हमारा जो कारवां है वो एक गांव की तरफ बढ़ रहा है। उस गांव का नाम है जानकी नगर। वहां पर लगभग 500 लोगों की आबादी है और वो आबादी बाढ़ के कारण मुख्य मार्ग से बिल्कुल कट चुकी है। वहां के लोग बेहाल हैं, इधर उधर पलायन कर रहे हैं, अपने जानवरों को निकाल रहे हैं, अपने आशियानों को छोड़कर इधर उधर निकल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर चेतराम जी मौजूद हैं, ये भी उसी गांव के निवासी हैं। ये हम लोगों को उस गांव तक ले जा रहे हैं, वहां का हाल दिखाने, वहां की दुश्वारियां दिखाने। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की दुश्वारियां हैं, लोग कैसे वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है? चेतराम। चेतराम जी, कैसी स्थिति इस समय है गाँव? बहुत खराब है साहब, बहुत खराब है। बहुत पानी, हमारे कोई उपाय नहीं। कितने दिनों से ये पानी? आज हो ही रहे हैं 15 दिन खराब है और कल से बहुत जोर पानी है। तो कैसे बच्चे खाना पीना क्या खाते हैं, कैसे जिंदगी आप लोग? कैसे कट रही है, पानी खटियन पर खट पर बनवावा गया तो खावा गया। अभी आप लोग कहाँ गए? गए रहा था दवाई ले, गया रहा दवाई ले। राशन पानी? राशन पानी लाया है सर। तो अब ले जाएंगे तब बनेगा, तब बच्चे खाएंगे। तो कितने बजे आप निकले थे? क्योंकि अभी अगर टाइम की बात की जाए तो लगभग 3 बज रहे हैं। अरे 12 बजे से साइड हेल्प हेल्प दिया है। तो ये ग्रामीण हैं, चेतराम जी हैं, उसी गांव के निवासी हैं। ये 12 बजे निकले थे, अब 3 बजने को है, वापस गांव जा रहे हैं। इन्होंने राशन पानी बच्चों के लिए ले रखा है, ये पिपिया रखी हुई है इन्होंने ले रखा है। अब ये जाएंगे, बच्चे आसरा देख रहे होंगे कि अभी पिताजी आएंगे हमारे कुछ लेकर, इनकी पत्नी आसरा देख रही होंगी, तब उसमें खाना बनेगा, बच्चे खाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी बाढ़ का प्रकोप कब कम होगा और इन लोगों की राहत की सांस मिलेगी। ये बहराइच से बिनु वाल्मीकि की रिपोर्ट।